बेटा आज हमने शुरू करना है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। या हम बात कर लेंगे इसको और क्या हम कह देंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें हम मेन बात करेंगे बेटा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। पहले ध्यान से समझने, पेन नीचे रखो, ठीक है। तो इसका वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, या हम बात करें कि इन, ध्यान से सुनो, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देयर रिक्वायर्स किस चीज की रिक्वायरमेंट है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, हॉर्मोन्स, विटामिन्स एटसेट्रा, एंड कलेक्शन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट्स। इन सब की सर्कुलेशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है एक जगह से बाकी जगह पर, ठीक है। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन सम मीडियम इज रिक्वायर्ड। Required in animals. And in all the vertebrates, vertebrates means जिसमें vertebral column है, and some invertebrates it is blood and lymph। Which is the which transport substances from one cell to other। ठीक है जी। So blood vascular system, vascular मतलब transport करना, so blood as transporting system, right? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आप पूरा लिख लेना, ब्रैकेट में BVS लिख लेना। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फर्स्ट इवॉल्व्ड इन, सबसे पहले किस में आया? इवॉल्व्ड इन एनिलिड्स। एनिलिड्स एग्जांपल, एनिलिड्स कौन से हैं?
एग्जाम्पल है अर्थ है। प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, उसके बाद फिशेस, एम्फीबियंस, ये पूरा लिखना, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स है बट हम वो बाद में बात करें। इज इट राइट? ठीक है, इन एनिलेट्स ब्लड जो है, ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, हां जी पवनजोत, किसके कारण है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड, किस कारण होता है ब्लड? यस मैम, मैम ब्लड रेड किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन के कारण। ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, बट आरबीसीज आर एब्सेंट। ब्लड रेड है इसके बाद ही, इसका मतलब है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है बट आरबीसीज एब्सेंट है। समरीत, फिर हीमोग्लोबिन कहाँ होता है बेटा? बोला करो भी, आता है या नहीं? हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। किसमें? एनिलेट्स में। इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स, इनमें क्या है? हीमोग्लोबिन एब्सेंट एंड दस ब्लड इज कलरलेस। नेक्स्ट है, इन ऑल वर्टिब्रेट्स, फिशेस से लेके मैमल्स तक, इन ऑल वर्टिब्रेट्स ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज। ठीक है, ब्लड जो है वो रेड है किस कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और इनमें हीमोग्लोबिन कहाँ पे पड़ा हुआ है? आरबीसीज के अंदर पड़ा हुआ। ठीक है जी, तो इसके बाद हमने बात करनी है कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ध्यान से मेरी बात सुननी है, इन ह्यूमंस ह्यूमंस में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हैज ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, so we will talk about blood. Blood flows in blood vessels. Therefore, it is closed
सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमंस में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहाँ पे अगर आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स का मतलब क्या है? इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोड्स में ये बॉक्स में लिख लेना, आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहां तक लिखो, फिर मैं आगे ये बताती हूँ, ठीक है जी? तो हम बात कर रहे हैं बेटा ब्लड की, ब्लड इन ह्यूमंस। इट कंसिस्ट्स ऑफ, पहली बात तो इट इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन अवर बॉडी। इट इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम थोड़ा सा देखें, ये भी बॉक्स में लिखना, कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, देन अनदर इज वेस्कुलर टिश्यूज विच इंक्लूड्स ब्लड एंड द लिम्फ, और तीसरा आ जाता है बेटा स्केलेटल टिश्यू। बोन्स एंड कार्टिलेजेस। ब्लड एंड लिम्फ, ये पार्ट्स है कनेक्टिव टिश्यू के। तो हम बात कर रहे हैं ब्लड की, राइट? तो ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है? 55% ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा, जबकि जो रेस्ट ऑफ द 45% इट इज ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स कौन से टाइप के हैं? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो मतलब रेड, मींस आरबीसीज। उसके बाद है ल्यूको, ल्यूको मतलब व्हाइट या कलरलेस, डब्ल्यूबीसीज। और तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, प्लाज्मा कंसिस्ट्स ऑफ 95% ऑफ वाटर एंड रेस्ट ऑफ 5% इट कंसिस्ट्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। कौन से है प्लाज्मा प्रोटीन्स? एल्ब्यूमिन्स, ये याद ही करने वाला है, ग्लोब्यूलिन्स एंड फिब्रिनोजन। देन देयर आर प्रेजेंट वेरियस inorganic substances
जो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम PO4 ट्वाइस, इट इज कैल्शियम फॉस्फेट. और कौन कौन से हैं? देन देयर आर प्रेजेंट मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा. ठीक है, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है. देन देयर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे है ग्लूकोस, जैसे है अमीनो एसिड्स, और है कोलेस्ट्रॉल, देन फैट्स और लिपिड्स, ये सब प्रेजेंट. देन नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट्स, ये क्या प्रेजेंट है? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड. देन इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस हॉर्मोन्स, विटामिन्स एंड सम एंजाइम्स. ये सब ब्लड की कॉम्पोजिशन. इज इट राइट? ठीक है, थोड़ा सा यहां पे मैं बताऊंगी कि ये जो ये जो प्रोटीन्स है, जो फिब्रिनोजन है, साथ में लिख लेना, रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग. ग्लोब्यूलिन्स, इट फॉर्म एंटीबॉडीज फॉर डिफेंस सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है. एंड एल्ब्यूमिन्स, दे मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स. ये पानी को, एल्ब्यूमिन्स जो है ब्लड में पानी को रिटेन करके रखता है. अगर ब्लड में एल्ब्यूमिन्स ना हो तो पानी जो है वो किडनी से बाहर निकल के यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेशन. तो ग्लोब्यूलिन्स जो एल्ब्यूमिन्स है वो पानी को बाइंड करके रखते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाते हैं. जो ग्लोब्यूलिन्स है वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स एंटीबॉडीज बना रहे हैं, जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस. और जो फिब्रिनोजन है हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग एट द रीजन ऑफ इंजरी. इज इट ओके? ठीक है, और फिर यहाँ पे और क्या प्रेजेंट है? वेरियस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स के साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं. और यहाँ पे एक पॉइंट हमने क्या लिखना है कि अगर प्लाज्मा में से, प्लाज्मा
माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, इज कॉल्ड एज सीरम या फिर हम क्या कह सकते हैं, ब्लड माइनस ब्रैकेट में लिख लो ब्लड कॉर्पसल्स प्लस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज अ सीरम। अगर ब्लड में से कॉर्पसल्स निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा, सीरम। और सीरम में से अगर हम ब्लड में से अगर हम कॉर्पसल्स निकाल देंगे तो रह जाएगा प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल देंगे तो बच जाएगा सीरम। इज इट ओके, लिखो पहले ये। अब हम आ जाते हैं बेटा ब्लड कॉर्पसल्स या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड कॉर्पसल्स इनको हम और क्या कह देते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है जी, एंड दीज आर यू नो ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड सेल्स, आप कह लीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम आ जाएंगे बेटा आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, सबसे पहले जो है दीज आर स्मॉलेस्ट सेल्स इन अवर बॉडी। अनदर थिंग, दीज आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन अवर बॉडी। ठीक है, नंबर या काउंट कितना है, आरबीसी काउंट 5.5 मिलियन आरबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर। MM3 का मतलब हो जाता है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ब्लड में पर क्यूबिक मिलीमीटर में इतने आरबीसीज। शेप क्या है, बायकनकेव। यंग आरबीसीज और आरबीसीज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जब बने, आर न्यूक्लिएटेड। इनमें न्यूक्लियस होता है जब ये बनते हैं, बट ड्यूरिंग मैच्यूरेशन दे लूज देयर आरबीसीज। सॉरी दे लूज देयर आई एम सॉरी दे लूज देयर
न्यूक्लियस. सो एज टू कैरी मैक्सिमम ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है जी. एक्सेप्ट यहां पे आ जाता है, एक्सेप्ट आरबीसीज ऑफ कैमल एंड लामा. लामा भी कैमल्स की तरह से ही होते हैं. आर न्यूक्लिएटेड. सभी मैमल्स के आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड है, सिर्फ कैमल्स एंड लामाज है जिनके न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं. ठीक है जी. देन दे आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. कौन सा पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन. इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट. अनदर इज लाइफ स्पैन 120 डेज और यू कैन से 4 months. दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया एंड दस परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन. अनदर इज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन. ये कितना है? 12 to 16 gram. अगर इससे कम है तो हम कह देते हैं कि एनीमिक है. ठीक है. तो 12 to 16 gram पर 100 ml of blood. Synthesis of RBC. इस प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपायोसिस. Another is erythropoietic tissues. कहां पे RBCs बनते हैं? ये है red bone marrow. Bones में होते हैं. ड्यूरिंग एमरजेंसी जब ब्लड लॉस हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मलेरिया हो जाए, जहां पे ब्लड खत्म हो रहा है. ठीक है. ड्यूरिंग एमरजेंसी आरबीसीज आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय लिवर एंड यू कैन से येलो बोन. ठीक है जी. तो यहां पे अनदर पॉइंट, डेड आरबीसीज आर डिस्पोज्ड ऑफ
बाय स्प्लीन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. दिस इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. अनदर इज, ठीक है, मैं यहां लिख रही हूं स्टार डाल के, यहां पे पॉइंट इधर लिख रही हूं, इसका ये वाला कि सरफेस ऑफ आरबीसीज हैव एंटीजन्स फॉर ब्लड ग्रुप्स एंड आर एच फैक्टर. ब्लड ग्रुप्स कौन से है, ए बी ओ या ए बी, ठीक है, और आर एच फैक्टर मतलब रिसर्स फैक्टर. हम कहते हैं ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो आर एच फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव है, अगर एब्सेंट है तो वो नेगेटिव है. पहले ये लिख लो, फिर मैं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताती हूँ. Abnormal increase in RBCs, इसको हम क्या बोल देते हैं, polycythemia. उसके बाद है decrease in number of RBCs. अगर इंक्रीज हो जाए नंबर का बहुत ज्यादा तो डिजीज है इसका, मतलब नॉर्मल नहीं है, पॉलीसाइथीमिया. अगर डिक्रीज हो जाए आरबीसीज का नंबर, द कंडीशन इज एरिथ्रोसाइटोपेनिया. अनदर इज during oxygen shortage, kidneys secrete hormone erythropoietin. ये क्या करती है, इट स्टिमुलेट्स रेड बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर आरबीसीज. Vitamin B12 and folic acid इनका क्या function है, helps in maturation of RBCs. ठीक है जी, तो ये तो है आरबीसी के बारे में. उसके बाद अगर हम इसका एक कंपोनेंट मैंने बताया था हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, प्योर प्रोटीन नहीं है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. Conjugated means two parts से बना हुआ है, जुड़ के बना हुआ है. That is heme and globin. Heme जो है
kind of iron and four pyrrole rings. जो फेरस है Fe2 पॉजिटिव गिव्स रेड कलर टू हीमोग्लोबिन. जो ग्लोबिन है इट इज फॉर्म्ड ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड मीन्स चेन ऑफ अमीनो एसिड. एक पॉलीपेप्टाइड मीन्स वन चेन ऑफ अमीनो एसिड. सो फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स. टू अल्फा एंड टू बीटा. हीमोग्लोबिन मैं यहां लिख रही हूं. Helps in किसका transport mainly? Transport of oxygen and some carbon dioxide. सारा नहीं, some carbon dioxide. ये हमने respiration में ऑल्दो कर लिया है. K positive combines with negative hemoglobin plus oxygen forms KHbO2, oxyhemoglobin. And you know, oxygen combines with ferrous of hemoglobin. H positive plus Hb negative plus CO2 form HHbCO2. Carbamino hemoglobin. Right? 1 RBC. Has about 280 million molecules of hemoglobin. और आपको पता है ये 1 RBC की बात हम कह रहे हैं. 100 ml of blood. क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल को देखना बड़ा मुश्किल होता है इसलिए हम वेट में करते हैं. 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है जी. सो दिस इज समथिंग अबाउट आरबीसी. करो ये. नेक्स्ट वी कम टू ब्लड ग्रुप्स. अब जो है ब्लड में क्या प्रेजेंट है, दैट इज एंटीजन, जिसको हम कहते हैं कॉर्पसल फैक्टर, और दूसरा एंटीबॉडी ए ग्लूटिनिन या प्लाज्मा फैक्टर. इसको ए ग्लूटिनोजन ये भी कह रहे. और फिर ये दोनों की हेल्प से डिसाइड होता है ब्लड ग्रुप.
अगर ये कहां पे प्रेजेंट है, ऑन आरबीसी, ये तो प्लाज्मा फैक्टर पता चल ही रहा है इन प्लाज्मा. अगर एंटीजन है, एंटीजन इज ए, एंटीबॉडी एंटी बी, बी के अगेंस्ट, क्योंकि ए तो उसका अपना एंटीजन है, बी एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, सो एंटीबॉडी बी, या इसको हम कह देते हैं स्मॉल बी, सिंपल स्मॉल बी, एंड ब्लड ग्रुप इज ए. एंटीजन पे डिपेंड करता है ब्लड ग्रुप क्या है. सेकेंड है, एंटीजन है बी, एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, एंटी ए, या इसको सिंपली कह देंगे ए. स्मॉल ए का मतलब अगर दिया हो कि देर इज प्रेजेंट बी, देर इज प्रेजेंट स्मॉल ए, इसका मतलब बी जो है, कैपिटल बी जो है वो एंटीजन है और स्मॉल ए जो है वो एंटीबॉडी है अगेंस्ट ए ब्लड ग्रुप, देन ब्लड ग्रुप इज बी. थर्ड है एंटीजन, दोनों है, ए भी है और बी भी है, तो यहां पे दोनों एंटीबॉडीज होंगी. सॉरी यहां पर क्योंकि दोनों एंटीजन्स अपने पास है, किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगे, नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी. किसके लिए, क्योंकि दोनों ही अपने हैं, किसके लिए हम मिलिट्री बनाएं, यहाँ पे तो ए है तो दूसरे के लिए मिलिट्री बनानी पड़ेगी, ठीक है, बट यहाँ पे तो दोनों अपने हैं, सो नो मिलिट्री, नो एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप इज ए एंड बी. उसके बाद नो एंटीजन, एंटीजन है ही नहीं कोई आरबीसी पे, अपना कोई भी नहीं है, ना यूएसए अपना ना पाकिस्तान अपना, लेट अस से, तो दोनों के लिए आर्मी बनानी पड़ेगी, तो एंटी ए एंड एंटी बी दोनों होंगी. देन ब्लड ग्रुप इज जीरो, जिसको हम कह देते हैं ओ ब्लड ग्रुप. जीरो मतलब कोई एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, कोई भी नहीं है, सो हम इसको जीरो ना कह के हम इसको ओ कह देते. सो दीज आर द ब्लड ग्रुप्स. उसके बाद ध्यान से मेरी बात सुनो, नेक्स्ट है रिसेस फैक्टर और आरएच फैक्टर. RH antigen on RBCs present, तो हम क्या कहते हैं, RH positive blood. It can be A positive, B positive, AB positive, ओ पॉजिटिव, कोई भी हो सकता है बट पॉजिटिव है. आर एच एंटीजन ऑन आरबीसीज एब्सेंट, तो हम क्या कहेंगे, आर एच नेगेटिव. इट कैन बी A negative, B negative, AB negative, and O negative. So these are the blood groups. ठीक है, लिखो पहले. अब ये blood groups क्यों है, क्या है, कि क्या A blood group वाला superior है कि AB वाला, तो कोई बेटा superior inferior कुछ भी ऐसा नहीं है. ब्लड ग्रुप्स का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, एक्सेप्ट दैट
इट गिव्स स्पेसिफिसिटी टू द ब्लड. ठीक है, कि हम ये कह देते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसका ए नेगेटिव है एंड ऑल दैट. तो राइट डाउन, ब्लड ग्रुप्स डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस. ब्लड ग्रुप्स डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट दैट they provide specificity to the blood. And they may play important role. They may play important role during blood transfusions. Blood transfusions मतलब जब किसी को blood चढ़ाना हो, किसी का accident हो गया, किसी का operation है, या ड्यू टू सम एनी अदर प्रॉब्लम हमें किसी को ब्लड चढ़ाना है, तब हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में हम क्या देखते हैं? द प्लाज्मा फैक्टर ऑफ रिसिपिएंट शुड बी कंपैटिबल compatible with corpuscle factor of donor. Let us say recipient है, ये donor है, और हमने बताना है कंपैटिबिलिटी. रिसिपिएंट का प्लाज्मा फैक्टर मतलब अगर हम कहें कि ए जो है उसका ब्लड ग्रुप है एंड एंटी बी या स्मॉल बी जो है उसका प्लाज्मा फैक्टर, तो इट इज कंपैटिबल विद एंटी बी है, बी के अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट वाला तो कंपैटिबल हो नहीं सकता. तो ये किसके कंपैटिबल है? डोनर का एंटीजन, या तो ए हो या फिर डोनर जो है वो ओ हो. क्यों? क्योंकि ओ में कोई एंटीजन ही नहीं है. अगर एंटीजन कोई नहीं तो ये एंटी बी एंटीबॉडी किस पे अटैक करेगी? किसी पे नहीं कर सकती. ठीक है, सो दिस इज कंपैटिबल. बी जो है एंटी बी इसको तो खा जाएगी, ए बी एंटी बी इस बी वाले एंटीजन को मारेगी तो ए बी खत्म हो जाएगा, वो आरबीसी मर जाएगा. एंटीबॉडीज किस पे अटैक करती है बेटा? उन आरबीसी पे जिन पे इनकंपैटिबल एंटीजन हो. एंटी बी का मतलब जिस आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन हो उस आरबीसी को खत्म कर देगी. यहाँ पे तो है ही बी एंटीजन, इसको मार देगी. और ए बी ब्लड ग्रुप में आरबीसी के ऊपर ए और बी एंटीजन दोनों है, तो उन आरबीसी पे भी अटैक करेगी. सो ये जो है इट इज नॉट कंपैटिबल. अगर रिसिपियंट बी है तो इसमें आएगी एंटी ए. मतलब अगर हम कहें कि जिस एंटी ए मतलब ए के अगेंस्ट है, ए के अगेंस्ट है, तो इसका मतलब ये जो है ये इनकंपैटिबल है. बट बी के अगेंस्ट तो नहीं है ना, ये कंपैटिबल है. अगर रिसिपिएंट
ओ है तो इसमें एंटी ए भी है एंड एंटी बी भी है, तो ना तो ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए, तो सिर्फ ओ को हम सिर्फ ओ वाला ही दे सकते हैं। ए बी ए बी इनकम्पैटिबल। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, नो एंटीबॉडी है ही नहीं, कोई एंटीबॉडी, वो कहते हैं कोई सा आ जाए ब्लड ग्रुप हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास आर्मी नहीं है, हम किस पे अटैक करेंगे, तो इसलिए ए बी एंड ओ सारे कंपैटिबल। तो अगर हम बात करें तो आपने मुझे बताना है देयरफॉर यूनिवर्सल डोनर इज एंड, हाँ एक मिनट बेटा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट इज, पवनजोत आपने ये दोनों बतानी है। ओ मैम ओ ही है ना, यूनिवर्सल, हाँ यूनिवर्सल डोनर इज ओ एंड यूनिवर्सल मेरा भी हो रिसिपिएंट, है। हाँ आपका भी हुआ है, वेरी गुड। यस और मैम, इस रिसिपिएंट कौन सा है जो किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, कौन सा है वो ब्लड ग्रुप? समरीत आपका ठीक है, ये है ए बी, ये देखो ए बी रिसिपिएंट है और डोनर कोई सा भी हो किसी का भी ले सकता है, तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट इज ए बी। ये मैंने तुम्हें एक चीज बताई। अब अनदर पॉइंट, आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल्स, ध्यान से मेरी बात सुनना, पेन नीचे रख के बाद में लिखना जो भी कुछ लिखना है, जो आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल्स है डू नॉट हैव आर एच फैक्टर या आर एच एंटीजन, देयरफॉर आर एच एंटीजन इज ए फॉरेन एंटीजन फॉर आर एच नेगेटिव पीपल, इजंट इट? उनके लिए तो आर एच फैक्टर जो है वो फॉरेन है, उनका अपना तो है ही नहीं। देयरफॉर दस इफ आर एच पॉजिटिव एंटीजन या सिंपल आर एच एंटीजन एंटर्स इन देयर बॉडी, खुद तो जाएगा नहीं, हम ही भेजेंगे, किसी तरह से हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया आर एच नेगेटिव में आर एच पॉजिटिव, दे विल सिक्रीट एंटी आर एच एंटीबॉडीज विच अटैक ऑन आरबीसीज हैविंग आर एच फैक्टर, देयरफॉर अगर रिसिपिएंट आर एच नेगेटिव है तो जो डोनर है बेटा वो भी आर एच नेगेटिव ही होना चाहिए। अगर आर एच पॉजिटिव है तो ये नहीं चलेगा, वो एंटीजन बनाएगा और वो जो बाहर से आरबीसी आ रहे हैं उनको किल कर देगा। अगर रिसिपिएंट आर एच पॉजिटिव है
तो बेटा उसके पास तो आरएच फैक्टर है, उसने एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनानी ही नहीं है, उसके पास एंटीबॉडीज ही नहीं है आरएच फैक्टर के लिए। देयरफॉर इसके लिए अगर हम इसको आरएच नेगेटिव दे दें या आरएच पॉजिटिव दे दें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता आने दो। इज इट राइट? तो अब मुझे बताना है कि देयरफॉर अब प्रॉपरली पॉजिटिव नेगेटिव देख के यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव की ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए बी पॉजिटिव की ए बी नेगेटिव, ये देख के मुझे बताओ सर। तो यूनिवर्सल डोनर इज ओ नेगेटिव, किसी को भी दे सकता है, पॉजिटिव वाले को भी और नेगेटिव वाले को भी, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर ए बी नेगेटिव हुआ तो वो सिर्फ नेगेटिव वाले से ब्लड लेगा, बट अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव किसी से भी ब्लड ले सकता है, राइट? तो अब ये कर लो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज हम यही करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम एक तो असाइनमेंट डिस्कस करेंगे प्लांटी की जो मैं भेजूंगी आपको, और दूसरा हम क्या करेंगे, दैट इज फर्दर, इसके आगे, दैट इज डब्ल्यू बी सीज एंड ऑल।